ये लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, शांति, प्रेम और भाईचारे की मिसाल। यहीं मोहान रोड पर स्थित है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय। पूरी दुनिया में अपनी तरह का एक अनूठा शिक्षण संस्थान। 131 एकड़ में फैले विद्या के इस प्रांगण की विशेषता ये है कि यहाँ सामान्य और दिव्यांग छात्र एक छत के नीचे बैठकर एक ही कक्षा में साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ समेकित शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग छात्रों का सशक्तिकरण कर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के विकलांग जन विकास विभाग द्वारा स्थापित इस विश्वविद्यालय को यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12B में भी शामिल किया जा चुका है। सन 2008 में आरंभ हुई इस विशिष्ट यात्रा ने सिर्फ 8 सालों में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की 50% सीटें दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं और इनमें से आधी दृष्टिबाधितों के लिए हैं। आज इस विश्वविद्यालय के 7 संकायों के 21 विभागों में 34 पाठ्यक्रम चल रहे हैं और इनमें पढ़ रहे और शोध कर रहे 3000 छात्र छात्राओं में से 510 दिव्यांग हैं। इनके लिए यहां शिक्षा, छात्रावास, भोजन सब कुछ निःशुल्क है। ऐसी सुविधा प्रदान करने वाला ये देश का एकमात्र राजकीय विश्वविद्यालय है। मूक बधिर विद्यार्थियों की सुविधा के लिए चल रहे सेंटर फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज एंड डेफ स्टडीज का एमओयू इंग्लैंड के लंकाशायर विश्वविद्यालय के साथ है। ये देश का अकेला विश्वविद्यालय है जहां श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए 2 साल का इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल कोर्स के अंतर्गत 4 वर्ष का बीपीओ और 4.5 वर्ष का बीएएसएलपी नामक पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। परिसर में हरितिमा को बढ़ाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा यहां 10 पारिजात पौधों का रोपण किया गया है। विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित है पुरुष छात्रावास, महिला छात्रावास और प्रशासनिक भवन। ये आधुनिक साज सज्जा से युक्त बैरियर फ्री सभागार है जिसमें एक समय में 1500 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। विश्वविद्यालय परिसर में ही स्थापित आर्टिफिशियल लिंब एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में कृत्रिम अंग सबको निःशुल्क लगाए जाते हैं। इस सुंदर और विशाल भवन के 7 संकायों कला, विधि, वाणिज्य, विशेष शिक्षा, संगीत एवं ललित कला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इनमें पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों का सहयोग उनके सहपाठी सामान्य छात्र करते हैं। ऐसे सुखद दृश्य सह अस्तित्व की भावना को बल प्रदान करते हैं। विशेष छात्रों को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए अधिक संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। यहां के अध्यापक स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें मानवता की सेवा करने का ईश्वर ने एक विशेष अवसर प्रदान किया है। परिसर में ही कक्षा 6 से 12 तक के लिए समावेशी शिक्षा पर आधारित एक विशेष विद्यालय की स्थापना और कई नए पाठ्यक्रमों के प्रारंभ को संकल्पित इस विश्वविद्यालय में एक बैरियर फ्री स्टेडियम का निर्माण भी प्रस्तावित है। साथ ही यहां जल्द ही बीटेक की पढ़ाई भी शुरू होगी। सामान्य पठन पाठन को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़कर छात्र छात्राओं को स्वावलंबी बनाते इस विश्वविद्यालय को 2014 में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत सरकार का
राष्ट्रीय विकलांगता पुरस्कार प्रदान किया। सन 2015 में विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों के उत्साह वर्धन हेतु प्रदेश के प्रथम नागरिक माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक एवं मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव स्वयं उपस्थित थे। भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कई स्तरों पर किया जा रहा है। इस बड़े और पुनीत यज्ञ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की छोटी सी आहुति देश के इन विशेष नागरिकों को बराबरी का दर्जा दिलवाने को कृत संकल्प है, क्योंकि हम सब भली भांति इनकी विशेष योग्यता से परिचित हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कर कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी।